बालाघाट जिले के बिरसा विकास खंड के ग्राम चुचगांव की महिलाओं द्वारा योग्यता आजीविका स्वयं सहायता समूह बनाया गया है। बीए तक शिक्षा प्राप्त मीना रहंग डाले इस समूह के मुखिया हैं। इस समूह की महिलाएं अपने गांव से 12 किलोमीटर दूर बिरसा की राइस मिल में काम करने आती थी, लेकिन कोरोना संकट का प्रभाव इस राइस मिल पर भी पड़ा और वह बंद हो गई, तो योग्यता समूह की महिलाओं के लिए रोजी रोटी का संकट आ गया। राइस मिल का मालिक अपनी मिल को बेचना चाहता था। ऐसे में समूह की मुखिया मीना रहंग डाले ने हिम्मत दिखाई और समूह को महिलाओं को अपने स्वयं की राइस मिल प्रारंभ करने की तैयारी कर ली। समूह की 14 महिलाओं ने 40-40 हजार रूपए जमा कर 5,60,000 रूपए की राशि एकत्र की और किसान क्रेडिट कार्ड से लगभग 2 लाख रूपए का ऋण लेकर राइस मिल के लिए मशीन क्रय कर ली। योग्यता समूह की महिलाओं ने राइस मिल के लिए मशीन तो खरीद ली थी, लेकिन मशीन लगाने के लिए स्थान की समस्या खड़ी हो गई थी। ऐसे में मीना रहंग डाले के घर पर मवेशी बांधने के स्थान पर राइस मिल लगाने का निर्णय लिया गया। इन महिलाओं की लगन एवं अथक परिश्रम से समूह को राइस मिल से हर माह अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड की ग्राम चिचगांव के योग्यता आजीविका समूह की महिलाओं ने कोरोना संकट काल में बहुत ही अच्छा काम किया है और अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। बालाघाट जिले में आजीविका मिशन के अन्य समूहों की महिलाओं द्वारा भी अच्छा काम किया जा रहा है। बालाघाट जिला स्त्री पुरुष लिंगानुपात में 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है। पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं वाले इस जिले में हर क्षेत्र में महिलाओं की अग्रणी भूमिका नजर आ जाती है। सर, मेरा नाम मीना रहंगडाले है, मैं ग्राम चिचगांव से हूँ और योग्यता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। हमने पहले छोटी मिल स्टार्ट की थी, पर उससे ऐसा महसूस हुआ कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कम आमद होने के कारण हमने बड़ी मिल की सोचे और हमारा समूह के माध्यम से कुछ पैसे मिला। उससे हमने सहयोग की राशि के साथ हमने कहीं से कर्ज लेके बड़ी मिल लगाने की सोचे। हम स्वसहायता समूह से 10-10-2017 में जुड़े हैं और 17 में जुड़े थे, उसी माध्यम से हमको हल्की राशि संगठन की सहायता से मिली और उसी से हम और कर्ज कहीं से कर्ज लेकर के हमने बड़ी मिल के लिए हमने अपना कार्य इसमें लगा रखे हैं और इसी से हमें कुछ अभी तो कैसे वैसे हमको बेनिफिट नहीं है, पर फिलहाल में कर्ज बहुत सारा कर्ज होने के कारण कर्ज अदा करने की अभी सोच रहे हैं, बेनिफिट की नहीं सोच रहे हैं। सर, जी सर, हमारे समूह में तो 14 लेडीज हैं, पर 2-3 महिलाएं जो हम इसमें सहयोग प्रदान करती हैं। और क्या मकसद है आपका अभी? बस इसे हम अच्छे से हम चला सके और इससे हमारा कार्यकाल अच्छा चलता रहे और हमें अच्छी आमद हो, बस यही इच्छा है हमारी। सर, क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों को, अपने गांव को? अपने साथियों को वही काम दिलाना चाह सकते हैं सर, प्रोत्साहन राशि और मिल सकती है तो उससे हम कुछ और कर सकते हैं और उसके साथ कुछ भी दूसरा और कार्य कर सकते हैं सर, मिल के जरिए। तो आपकी कितनी आय हो चुकी है आप लोग को? आय तो अभी नहीं हुई सर, ऐसी 2-3 लाख आय हो चुकी है और लगभग मंथली में 20,000 आय हो जाती है, पर उसमें हम लोग बिल देते हैं सर, 10,000 करीबन बिल देते हैं और बाकी का मेंटेन करते हैं सर, मिल में मेंटेन लगता है सर। मेरा नाम वर्षा रंग डाले है, मैं ग्राम चिचगांव की रहने वाली हूँ। मेरे ग्राम समूह का नाम है योग्यता आजीविका स्व सहायता समूह। मेरे ग्राम संगठन का नाम ओम शांति महिला आजीविका ग्राम संगठन। और अभी ये आप लोगों को मशीन मिली है जी, आपकी आय बढ़ रही है जी, पैसा क्या है आपका, पैसा क्या है? हम लोग ये राइस मिल चलाने के बाद में हमारी आय बढ़ गई है, जिससे हम लोग अपना जो ब्याज में पैसे बाहर से उठाए थे परसेंट में, उस पैसे को हम पटाते हैं और बिल भी पटाते हैं। 10,000 मिनिमम बिल आ जाता है, 10,000 हमारी उधर चले जाती है आय, बचत राशि अभी कुछ भी नहीं बचती, महिलाओं को अभी कुछ दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ राइस मिल का ही पैसा पटाया जा रहा है जो ब्याज में उठाया गया है। वो सभी महिलाएं सहयोग कर रही हैं, इसमें काम भी बराबर हो रहा है और बेनिफिट भी ठीक ही है। क्या कहना चाहेंगे अपनी युवा शक्ति? महिलाओं की बहुत बड़ी शक्ति है यहाँ, युवा शक्ति है, और हमारे द्वारा दूसरे समूह को भी इससे प्रेरित होता है कि वो भी कुछ काम करें, रोजगार करें, अपना रोजी रोटी चलाएं
खैर पुरुष तो अपने घर की पूरी पूर्ति कर ही लेते हैं, पर महिलाएं भी अपने पैर पे खड़े होना चाहती हैं। जैसे हम लोग सिलाई करके भी अपना कुछ कमा लेते हैं, राइस मिल तो राइस मिल भी काम कर रहे हैं पर सिलाई से भी हमारा बेनिफिट है। और कोई सब पशुपालन कर रही हैं, कोई बकरी पालन कर रही हैं। फिर हम लोगों की हार्डवेयर की दुकान है, उसमें भी हम लोग समूह से पैसे उठा के थोड़ा पैसे डाले हैं। और गांव में ऐसी कई योजनाएं हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म किसी ने खोला है, किराना दुकान है, सब समूह की महिलाएं अपने अपने काम में व्यस्त हैं और पैसे दो पैसे कमा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी अरमान है कि आपकी भारत बनाने के लिए काफी प्रयास करते हैं, तो इस समय आप क्या कहती हैं? बहुत सहयोग किए हैं प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गांव की महिलाएं बहुत पिछड़े वर्ग में थी जो घर से बाहर नहीं निकलती थी पहले, पर आज के दौर में 2017-16 से जो योजनाएं चालू हुई है, आजीविका मिशन चालू हुआ है, उससे महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं। महिलाएं आगे बढ़ने से घर से कदम बाहर निकाल चुकी हैं और दो पैसा कमा रही हैं। कहीं कोई चीज का फॉर्म भरना है, कुछ करना है, पीछे नहीं हट रहे हैं। पारिवारिक घर में जो लोग भी रहते हैं वो भी आगे बढ़ा रहे हैं महिलाओं को, और उससे हमारे बच्चों की भी पूर्ति हो रही है, दो पैसा कमा रहे हैं। तो और हम भी फ्रैंक हो रहे हैं, पहले दबे दबे से रहते थे, किसी के सामने दो शब्द बोलने से हिचकिचाहट होती थी हमें, पर आज हम किसी के सामने खड़े होके अपनी मन की बात रख सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ाए हैं हमको, तो हम उसके लिए सक्षम हो चुके हैं और काम करने में भी सक्षम है हम लोग। आपका नाम? मेरा नाम वर्षा रहंगडाल। मेरा नाम ममता रहंगडाली है, मैं सहायता समूह की सदस्य हूँ, मैं ग्राम चिजगांव की रहने वाली हूँ। कैसा लग रहा है आपको मशीन का काम करने में? मशीन के काम करने से हमको अच्छा लगता है, जैसे हम हमारी रोजी रोटी चलती है, हमारे सभी समूह की महिलाएं हमारे घर के सब सदस्य हैं, उनको सब काम मिलता है, हमारा सब अच्छा ये कार्यकाल अच्छा चलता है। हमको इस पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति? पहले हमारी छोटी मिल थी, छोटी मिल चलाते थे तो उससे उतनी हमारी आमदनी नहीं हो पाती थी, तो हमने सोचे कि नहीं अब छोटी मशीन में इतनी आमदनी नहीं हो पाती तो हम बड़ी मशीन लगाए, इसलिए अभी बड़ी मिल लगाए हैं तो इसमें आमदनी है, पर इसमें अभी हम बाहर से कर्ज ले चुके हैं, जैसे हम केसीसी लिए हैं, समूह से हमको राशि मिली है और कहीं से लिए हैं, तो आमदनी तो होती है लेकिन हमको कुछ बिल में देना पड़ता है, मशीन की ये करना पड़ता है इसका, उसके बाद में फिर हम कुछ बाहर से राशि लिए हैं उनको देना पड़ता है, तो राशि उतनी बच नहीं पाती, तो हम सोचे हैं कि यानी कि इससे और कुछ हमको आगे बड़ा काम मिले, हमको और राशि मिले तो हम और कुछ कर सके, जैसे दाल का काम है कुछ है, और अपना सब समूह की महिला है उनको कुछ काम दे पाए, यही हमारी इच्छा है। आपका नाम? ममता रहंगडाले। बताइए। मेरा नाम महेंद्र रहंगडाले है, ग्राम चीजगांव, पोस्ट मानेगांव, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट। हम लोग ये स्व सहायता समूह से मतलब कुछ राशि लोन लिए, पहले हमारी छोटी मिल थी, छोटी मिल होने के बाद उसमें आमदनी की जो आमदनी कम होती थी, उसके साथ साथ आमदनी कम के साथ साथ समय भी बर्बाद होता था हमारा, एक आदमी छोटी मिल में फंसा ही रहता था। अब हमने जहां तक ये किए कि छोटी मिल के बाद हमने सोचा आदमी फंसा रहता है, इसलिए अच्छा है कि एक आध बड़ी मिल उसका ये किया जाए, तो हमने फिर बड़े मिल के लिए सोचे, फिर योग्यता स्व सहायता समूह इससे हमने मांग की पैसे की, तो पैसे की मांग करने के बाद भी इन्होंने कहा कि नहीं भाई हमारे पास तो राशि कम है, तो बोले नहीं कम राशि है अभी इतना ही ये कीजिए जितनी हमारे पास है उतना ही, तो लगभग 1 लाख करीब करीब वहां से मिला, बाकी हमने इधर से और कुछ व्यक्तिगत लोन लिए, कुछ केसीसी किए, और स्व सहायता समूह का जितना हमको सहयोग मिला उस सहयोग के साथ साथ सभी बहनों को भी सहयोग मिला, वो भी आकर के देखते हैं नहीं कैसे मिल चल रही है, कैसे क्या हो रहा है, उसके आधार पर फिर हम आज ये इस प्रगति के स्तर पर पहुंचे हैं। हमारे पास एक गाड़ी भी है, गाड़ी से हम धान लाते हैं, ले जाते हैं और इसकी मिलिंग करके और फिर पहुंचाते भी हैं, इस प्रकार से हमारा भी
जो बिजली बिल भर है वो भर हमारा बहुत अधिक आ रहा है। इस हिसाब से हमको, हम चाहते हैं शासन से, प्रशासन से, इसकी कम से कम थोड़ी सी ये हो जाए क्या वजह है, इसको देख रेख करके और फिर इसके हमको थोड़ी सी मदद मिल जाए। हमने बहुत कोशिश किया है कि हम कम से कम में खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। जी जी सर बताएं। योग्यता आजीविका स्व सहायता समूह का गठन 2017 में किया गया। स्व सहायता समूह का संचालन 14 दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। ये हमारा स्व सहायता समूह मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो राशि मिशन के माध्यम से तकरीबन 1,05,000 रुपये उपलब्ध कराई गई है, ये राशि से वो पहले छोटे छोटे काम किया करते थे। कुछ दीदियाँ जो है समूह की, वो खेती के उपयोग के लिए राशि, किराने के लिए, मनिहारी के लिए और भी मुर्गी पालन वगैरह की इस तरीके की छोटी छोटी गतिविधियां कर रहे थे। कुछ दीदियां ऐसी थी जो कोरोना काल के पहले जो राइस मिल है वहां पे वो एज अ लेबर का काम करती थी, पर कोरोना के समय में पूरी इकाइयां जो है वो बंद हो गई। ऐसी स्थितियों में समूह की दीदियों ने निर्णय लिया कि जो आजीविका मिशन के माध्यम से प्राप्त ग्रांट की राशि के अतिरिक्त उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड और अपनी स्वतः की राशि को एकत्रित किया और इसके पश्चात में उन्होंने जो है राइस मिल जो इकाई की कीमत है वो 10 लाख रुपए के आसपास है, वो इकाई उन्होंने ले ली, खरीदी कर ली है उस इकाई की, और आज उस इकाई के माध्यम से औसतन 20 से 25 हजार रुपए प्रति माह उस समूह को राशि जो है लाभ की प्राप्त हो रही है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।